اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

और दुनिया में भी तमाम ममालिक करेंसी एक नहीं होती जो करेंसी पाकिस्तान में रज है वो हिंदुस्तान में रज नहीं है जो हिंदुस्तान में राइज है वो अफ़गानिस्तान में रज नहीं है जो अफ़ग़ानिस्तान में रज है वो ईरान में राइज नहीं है। इंसान यूरोप के ममालिक में जाता है तो वहाँ की करेंसी का इंतज़ाम करता है जितने दिन वहाँ रहने हैं जितने अखराजात वहाँ करने हैं उसके हिसाब से करेंसी का इंतज़ाम करता है तो यूरो का इंतज़ाम करता है पौंड का इंतज़ाम करता है अमेरिका जाता है तो डॉलर का इंतज़ाम करता है सऊदीया जाता है तो रियाल का इंतज़ाम करता है जिस मुल्क में जाता है उस मुल्क की करेंसी का इंसान इंतज़ाम करता है आखरत की जब आखरत में हमने जाना है तो वहां की भी एक करंसी है तो ये अमाल वहाँ की करंसी है अच्छे अमाल भी और बुरे अमाल भी यहाँ करंसी की एक किस्म होती है यानी जिसके जरिए से कोई चीज खरीदी जा सकती है लेकिन आखरत की जो करंसी है वो दो किस्म की है मुसबत भी है और मनफी भी है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है वहां हर जगह इंसान की नेकियां काम आएंगी या दूसरों के गुनाह इसको उठाने पड़ेंगे हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो इंसान दूसरों पे जुल्म करता रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल फरमाया कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है सहाबा रर्जगिया के कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा समझते हैं तो सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि मफलिस वो है या साहबा अर्जिया के कि मुफल सम हम उसे समझते हैं जिसके पास पैसा ना हो माल ना हो रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम ने फरमाया कि असल मुफलिस ये नहीं है असल मुफलिस ये है कि जब आखरत में आए तो बहुत सारी नेकियाँ साथ लेके जाए दुनिया के अंदर बहुत नेकियां उसने की, की होंगी लेकिन जब मैदान माशर के अंदर पहुंचा है तो किसी को इसने थप्पड़ मारा था किसी का माल छीना था किसी पे और जुलम किया था किसी को ईजा पहुंचाई थी वो मजलूम दावे लेके आ जाएंगे और उन मजलूमों के पे जो जुलम किया गया है इसने जो जुल्म किया था उस जुल्म के रवज में अल्लाह ताला इसकी नेकियां उसको दे देंगे और ये जुल्म सिर्फ ये नहीं कि मार धार से होता है जुल्म जो है वो रीबत से भी होता है जुबान से भी होता है दुनिया में जो हम रीबत करते हैं ना तो आज हम उसकी रीबत कर रहे हैं गोया कि हम उसको अपनी नेकियां दे रहे हैं गरीबत इंसान अपने महबूब के नहीं करता होता गीबत इंसान अपने पसंदीदा आदमी के नहीं करता होता गीबत उसी की करता होता है जिससे नफरत होती है जो इंसान को नापसंद होता है और मैदान माशर का हाल क्या होगा मरउ मिन यफिरमिन कि वहाँ यह सूरत हाल होगी कि इंसान को नेकियों की ज़रूरत होगी वहाँ की करेंसी की ज़रूरत होगी इंसान ये चाहेगा कि दुनिया के अंदर मेरे ताल्लुक़ वाले बहुत थे मैं उन तल्लु वालों से कुछ नकियाँ मांग लेता हूँ आखिर माँ जो होती है वो दे देती है ऐसे मौके पे, भाई दे देता है वालिद दे देता है बीवी कर... ऐसे मौके पर मदद कर देती है जब मुश्किल इंसान पर आती है सरमाया कि जब उस दिन इंसान को नेकियों की जरूरत होगी और एक एक नेकी के लिए फिरेगा लेकिन उसके अजीज तरीन जो खानदान के लोग थे वो भी इसको नेकी देने के लिए तैयार नहीं होंगे हमारा योम रो अमर उमिन अखी भाई भाई से भागेगा वह वी ही अभी इंसान जो है वो वा अपनी वालदा को देख के भागेगा कहीं इसको अपनी नकियाँ ना देनी पड़ जाएं वालिद को देख के भागेगा कहीं इसको अपनी नेकियां न ने देनी पड़ जाए, तो योम या फिर रोल मर उमिन अखी व उम्मी ही व अबी व साहिबती ही व बनी उसकी बीवी उससे भागेगी उसकी औलाद उससे भागेगी बाप भागेगा औलाद से औलाद भागेगी बाप से लेकुल इमर इम उमय यो मिन शाह नुई कोई किसी का ताबन नहीं करेगा हर एक जो है वह अपनी फिक्र के अंदर पड़ा हुआ होगा हम मैं और आप क्या होते हैं बड़े बड़े अलिया अल्लाह जो हैं वो अपनी फिक्र में पड़े होंगे अलिया अल्लाह क्या है सहाबा अपनी अपनी फिक्र में पड़े होंगे सहाबा क्या है अम्बियाँ अपनी फिक्र में होंगे जब सारे इंसानों का एक नुमाइंदा वफद आदम इस्लाम के पास जाएगा कि हजरत ये मैदान माशर की सख्ती बड़ी है पसीने छूटे हुए हैं बहुत बुरा हाल है सिफ़ारिश कीजिए हिसाब किताब शुरू हो मैदान माशर से तो निकले ना यहाँ से तो आदम इस्लाम फरमाएंगे कि मैं तुम्हारी सिफारिश करने के लिए जाऊँ मुझे अंदेशा है कि अल्लाह ताला पूछ लें कि जिस शजरा के खाने से मैंने मना किया था वो क्यों खाया इसलिए आज तो मुझे अपनी फिक्र लगी हुई है नफ नफसी नफसी आज तो मुझे अपनी फिक्र लगी हुई है अपनी फिक्र लगी हुई है अपनी फिक्र लगी हुई है जाओ नू आलाम के पास चले जाओ नू आलाम के पास जाएंगे वो भी यही फरमा देंगे वो कहेंगे जाओ इब्राहिम अली इस्लाम के पास चले जाओ इब्राहिम आलि इस्लाम के पास जाएंगे वो भी यही फरमा देंगे वो कहेंगे मूसा अली इस्लाम के पास चले जाओ मूसा अली इस्लाम के पास जाएंगे वो भी यही फरमा देंगे वो कहेंगे ईसा आलि इस्लाम के पास चले जाओ तो ये इंसानों का नुमाइंदा वफद अम्बिया के पास जाएगा तो वहाँ जवाब एक ही मिलेगा कि मुझे तो अपना फ़िक्र लगा हुआ है तुम्हारी क्या सिफारिश करनी है मैंने नफसी 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 हाँ उसके बाद ईसा इस आलाम फरमाएंगे कि ये मकाम अल्लाह तुम्बारक वताली ने आज सिफारिश का वो सिर्फ़ एक शख्सियत को दिया है वो सरकार दो आलम सल्ला वसलम को अता फ़रमाया आना सैदुलद आदम योम क्यामत वाला फख्ररमा के क्यामत के दिन औलाद आदम का मैं सरदार हूँगा तो सारे अम्बियाँ ने क्या जवाब में कहा हरमाया नफसे 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 मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करता मुझे तो अपनी फिक्र लगी हुई है यह शफात कुबरा के मुकाबले में उससे निचले दर्जे की जब सिफारिशें आएंगी तो वहाँ अलिया भी सिफारशें करेंगे अम्बिया तो बड़ा मुकाम होता है अम्बिया भी करेंगे और यह भी करेंगे लेकिन ये जो शफात है कुबरा का मौका आएगा ना तो हर नबी भी ये कहेंगे यही फरमाएंगे नफसी नफसी नफसी, वहाँ अगर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने के लिए को आएंगे, तो वह सरकारी दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे जब आपके पास लोग आएंगे तो आप फरमाएंगे हाँ ये आज मेरा नाकाम है कि मैं ये सिफारिश करूँ और अल्लाह ताली ने यह तमगा मेरे सीने पर लगाया है लिया वफिर मातदी मत खरा नबी आपकी अगली पिछली सारी खतएँ माफ यहाँ लोग ये सवाल करते हैं नबी अगर सल्ला वसल्लम की क्या खताएँ वो फसलन यहाँ बड़ी बहसें हैं लेकिन सही ये है कि बाज़ अल्फाज होते हैं उनका लोभवी माना मुराद नहीं होता वो मुहावरा होता है जब यह कहा जाए कि आपकी अगली पिछली खतए माफ़ हैं मतलब यह है कि आपसे किसी किस्म का मुआज़ा नहीं होगा आपसे कोई सवाल नहीं होगा तो तमाम अम्बिया आलिम जिस बात से डर रहे हैं कि मैं जाऊँ सिफ़ारिश करने के लिए और अल्लाह ताली मुझसे पूछ दे कोई तो क्या जवाब दूंगा तो नबी सल वसलम को अल्लाह ताली ने दुनिया के अंदर तसली अता फरमा दी फरमा के आपकी अगली पिछली सब खतए माफ़ हैं वहाँ मैदान माशर में आपसे कोई सवाल नहीं होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वहां क्या फरमाएंगे पाकि अंबिया ने क्या फरमाया था नफसी 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 मुझे तो अपना फिक्र लगा हुआ है अपना फिकर लगा हुआ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे उम्मती, उम्मती, उम्मी मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत वहाँ बस एक ही जात होगी एक ही शख्सियत होगी फिकर करेगी वरना वहाँ कोई दूसरों का फिक्र करने वाला नहीं होगा वहां पर सब भाग जाएंगे एक दूसरे से यहाँ तलब इलमाना सवाल ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास सिफारिश की दरख्वास्त करने के लिए शफात के लिए जब आए हैं तो वो तो सारी उम्मतों के लोग मिल के आए हैं तो आपको तसल्ली का जुमला ऐसा फरमाना चाहिए कि सबकी तसल्ली उसमें हो जाए तो आप सबकी तसल्ली की बजाय ये फरमा रहे उम्मती 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 कि मेरी उम्मत, मेरी उम्मत मेरी उम्मत तो मुसलमान जो उसमें आएंगे दरखास्त करने के लिए उनको तो तसल्ली हो गई और जो बकिया उम्मतों के लोग हैं उनका क्या बनेगा फिर तो ने फरमाया कि जो हाथ सब ने फरमाया है तो रसूल वसम की उम्मत सिर्फ यही नहीं है पिछले अम्बिया वसलम की जो उम्मतें हैं वो भी रसूल सल्हु वसलम की उम्मत है पिछले अम्बिया की उम्मतों को पाबंद किया गया है अपने नबियों पर ईमान लाने का और उन नबियों को पाबंद किया गया है रसूल वसलम पर ईमान लाने का बल्कि हर नबी ने अपनी उम्मत को रसूल सल्ह वसलम की बिशारत सुनाई है इसलिए पिछली उम्मतें भी अहम रल अल्लाह वसलम पर ईमान लाने वालों में शामिल हैं जब आपने उम्मती उम्मती फरमाया है तो आदम आजम से लेके सल्लल्लाहु सला वसल्लम तक जितनी उम्मतें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं तो आरूस कर रहा था कि वो दिन जो है वो भाग हर कोई भाग जाएगा अगर हम गईबत करते हैं तो वो दिन तो ऐसा होगा कि अपने सके रिश्तेदारों को कोई नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा बाज लोग कहते हैं नहीं पीर साहब जो है वो मैदान माशर में काम आएंगे तो वहां तो अंबिया अली मस्लम जवाब दे देंगे कि पीर साहब क्या काम आएंगे पीर साहब से जो काम लेना है वो दुनिया में ले वो आखिरत संवारने का तरीका बताते हैं वो अल्लाह को राजी करने का तरीका बताते हैं वो अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करने का तरीक़ा बताते हैं, वो अल्लाह ताला का ताल्लुक पैदा करने का तरीक़ा बताते हैं, तो पीर साहब आखिरत में काम आएंगे लेकिन दुनिया में जब उनसे हम रहनुमाई लेंगे और उनके बताए हुए तरीक़ों पे चलेंगे तो फिर वो पीर साहब की तालीमत जो हैं वो आखिरत में हमारे काम आएंगी शफात कुबरा जो है वो कोई भी नहीं करने वाला होगा सवाए सरकारी दौलम के शफात कुबरा के बाद उससे निचले दर्जे की शफातें वोलिया अल्लाह करेंगे उसमें मुमकिन है कि हमारे पीर साहब भी आ जाए लेकिन वादा कोई नहीं सफात कुबरा के बाद जो बाकी शफातें हैं उनमें पीर साहब आ सकते हैं लेकिन हर एक के लिए नहीं जो उनके तरीके पर चला होगा उसके लिए काम आ सकते हैं सफातें है, हाफिज भी करेंगे अलिया अल्लाह करेंगे क्राम करेंगे मशाई का करेंगे सफातें होंगी निया कि वादा कोई नहीं है अब पता नहीं किसकी बख्शिश हो जानी है हल्ताजी साहब ने मक्की रहमत फरमाते थे कि मैं तो इसलिए किसी को बैत कर लेता हूँ कि अगर मुरीद बख्शा गया तो वह पीर की सिफारिश कर देगा और अगर पीर बख्शा गया तो मुरीद की सिफारिश कर देगा जरूरी नहीं है मुमकिन है और पीर साहब के मुरीद काम आ जाए वहां पर वो वो काम आने वाली दिन तो वहाँ करेंसी कौन सी काम आएगी तो जो आदमी किसी पे जुल्म करता रहा है उसकी नेकियां उठा के उसको देती जाएंगे जुल्म ख़त्म नहीं होंगे नेकियां ख़त्म हो जाएंगी अब क्या होगा अब जितना मुतालबा करने वाले आएंगे उनकी बुराइयाँ उठा के इसको दी जाएंगी ये उल्टी करेंसी है नेगेटिव करेंसी मनफी करेंसी ये उसके खाते में होगी रसल ने फरमाया कि दुनिया से पहाड़ लेके पहाड़ों के बराबर नेकियाँ लेके आया था अब गुनाहों के पहाड़ लेके दो जख्म जा रहा होगा ये आदमी करेंसी बहुत कीमती चीज होती है एक डॉलर का नोट मिल जाए ना बड़ा कीमती होता है बड़ा काम का होता है आदमी उसको संभाल के रखता है उसकी हिफाजत करता है और नेकिया अगर किसी को करंसी बनाने वाली मशीन मिल जाए तो किसी को करंसी बनाने वाली मशीन मिल जाए तो फिर तो उसके मजे ही मजे जितने मर्जी चाय बना ले तो जितने भी आमान हम करते हैं ये हमारा बदन है ये करंसी हमारा बदन खुद बना रहा है लेकिन सबसे ज्यादा आसान करंसी आखरत की करेंसी बनाने वाली जो चीज़ है वो इंसान की जुबान है इस जुबान से गुनाह करें तो गुनाह भी बेशुमार हो जाते हैं और इंसान बेदिहानी में बड़े गुनाह कर लेता है इस वक्त मैंने आयत पढ़ी है तो एक सहाबिया पे मुनाफिकों ने तोहमत लगा दी थी वो बात जो है वो एक महीना तक चलती रही मुनाफिकों ने तो लगाई थी मुनाफिक उसको फैला रहे थे लेकिन बाज़ मोमिन भी उसका तस्करा कर देते थे ये उसको सच समझ के नहीं झूठ समझ के तस्करा करते थे उस बात को झूठा समझते थे लेकिन तस्करा कर देते थे भाई आजकल ऐसी बात चल रही है ये बात है खिलाँ ये कह रहा है तो हक्तार शाह ने फरमाया कि ये बहुत बड़ा गुना किया तुमने इज तलाको नहु बेल से निकुम जब तुम ये तोहमत वाली बात जो है वो एक दूसरे से ले रहे थे नकल कर रहे थे एक दूसरे से वो उसको सुना रहा था वो आगे सुना रहा था एक दूसरे से तुम नकल कर रहे थे व भी अफवाह कु माजी से नखम भी और अपनी ज़ुबान से ऐसी बातें कह रहे थे जिन बातों का तुम्हें पता भी नहीं है हकीकत क्या है इसकी व तह है ही ना तुम इस गुनाह को हल्का समझते थे, थे। वह हुआ अज़ीम ये गुनाह अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह था और ये जुबान वाला गुनाह जो है ये काम जो है वह आज हम सोशल मीडिया से ले रहे हैं गुनाहों इल्ज़ाम कजफ इनको फैलाना ये काम जो है ये हम अपनी ज़ुबान से कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए से कर रहे हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे नामा अमाल में कितने गुनाह जमा हो गए हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शवी साहब रहा उन्होंने किताब लिखी है गुनाह बे लज्जत तो उसके शुरू में बहुत सारे गुनाहों का तस्करा किया है जो बिल्कुल बेफायदे हैं और उनका ताल्लुक ज़ुबान से इंसान ज़ुबान दुरुस्त कर ले जुबान का इस्तेमाल सही करे और अगर इसी ज़ुबान को नेकियां कमाने पर लगाए तो नेकियां भी बेशुमार कमाई जा सकती हैं इससे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कलामी अरबा फरमाया के चार कलाम जो हैं वो अल्लाह नज़दीक बहुत सबसे अफजल हैं ये अल्फाज अगर ज़ुबान से इंसान पढ़े तो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं वो चार कलिमात कौन से हैं फरमाया सुबहानल्लामद वल्लाहु अकबर और एक रिवायत में आता है अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम ये चार हैं सुबहानल्लाहमदिल्ल अकबर अब बताइए कि ये क़लिमात पढ़ने इंसान को क्या मुश्किल है और इन इन, इन क़लिमात के पढ़ने के लिए कोई शर्त भी नहीं है अल्लाह ताला ने अपना जिक्र आसान कर दिया है। एक सहाबी ने आदर सला वसल्लम से पूछा कि यार रसोल्ला नेकियां तो बेशुमार हैं मुझे तो आपको एक बात इरशाद फरमा दें इशाद तो फरमाया तर रहे तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे यानी जुबान से अल्लाह का जिक्र करता रहे वैसे तो ज्यादा बोलने से जुबान खुश्क होती है लेकिन किसी महबूब का नाम लिया जाए ना प्यारी चीज का नाम तो मुंह में पानी आता है जुबान में तरी आती है तो लाजा का अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह की मोहब्बत के साथ करो प्यार के साथ करो ऐसे करो सबसे ज्यादा प्यारी चीज इंसान की है और उसका जब नाम लेता है मोहब्बत से जैसे तो उससे ज्यादा मोहब्बत के साथ इंसान अल्लाह का नाम ले तो प्यारी चीज का नाम लेने से मुंह में पानी आता है तो अल्लाह का नाम लेने से पानी नहीं आएगा मुंह में तो कल मैं कराची था इकताजियत के सिलसिले में जाना हुआ बुजुर्ग आलिम हैं उनसे मिला तो फरमाने लगे कि मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो ख्वाजा खान मोहम्मद साहब अलैह के बड़े साहबजादे हजरत ख्वाजा अजीज अहमद साहब वो भी तशरीफ़ फरमाते उनके दाई तरफ वो बैठे हुए थे बाई तरफ मैं बैठा हुआ था ख्वाजा अजीज़ अहमद साहब भी उनके साथ मुझे भी दो महीने पढ़ने का मौका मिला था रफाकत मेरी रही है और उनके भी वो साथी थे तो इस तरीके से वो साथी साथी इकट्ठे हो गए तो उनके ख्वाजा अज़ीज़ अहमद साहब की नस्बत से वो बात निकल आई वो मेहमान जिनके पास हम मिलने के गए हुए थे बुज़ुर्गों के पास फरमान लगे कि मैं कुंदियाँ गया हज ख्वाजा साहब से मिलने के लिए तो हज ख्वाजा साहब बीमार बहुत थे मुलाकातों पर पाबंदी थी इन्होंने समय लगे कि हज ख्वाजा अजीज़ अहमद साहब उनकी तरफ इशारा करके वहीं पास बैठे होते कि इन्होंने हजरत से मेरी मुलाकात करा दी मेरा नाम बता दिया हजरत ने इजाज़त दे दी अंदर आने की मुलाकात तो हुई ज़्यादा लम्बी चौड़ी बात तो हो नहीं सकती थी तो कहने लगे कि हमने अरेस्ट किया कि हजरत अगर मुमकिन हो तो कोई एक मुख्तसर सी नसीहत फरमा दें अगर मुमकिन हो तो कोई एक मुख्तसर सी नसीहत फरमा दें बीमारी की हालत थी मुख्तर ही बात करने की कुदरत थी फरमाया चौबीस घंटों में दिन में किसी एक वक्त में एक मरतबा इंतहाई मोहब्बत से अल्लाह कह दिया करो जबान से बस कि किसी एक वक्त में मुकम्मल मोहब्बत से पूरे प्यार के साथ एक मरतबा अल्लाह कह दिया करो बस हमारा तो कि उस दिन से आज तक मामूल है और अल्लाह वजह से बातिन की तरक्की भी अदा करमाई बड़ा ही फायदा इसका महसूस हुआ तो जिक्र अल्लाह के जरिए से इंसान जो है वह अल्लाह तरब हासिल कर सकता है नकियां कमा सकता है बेानतहा नकियां कमा सकता है अगर ये जिक्रल्ला के फवाद बयान करना शुरू करो दो चीजें हैं एक इसमें ज़ात वजमा रब अपने रब का नाम लो अल्लाह तरमाते हैं अपने रब का नाम लो जान करो रब का नाम क्या हमारे रब का नाम क्या क्या जी अल्लाह जी जिक्र भी जो है ना वो मशाइ से सीखा जाता है वरना तो वो होता देखिए इस्लाम इस्लामी बने क्यूम रहमत ने जिक्र के फज़ाइल पर किताब लिखी है कमाल करके रख दिया है कुरान और हदीस के सारे फ़जाइल को जमा कर दिया सौ फ़जाइल जमा किए अल किएनय लेकिन इबन तैमिया उस्ताद है, इबन कैम उनके शागिरद हैं कहते हैं जी अकेला अल्लाह का नाम लेना यह जिक्र नहीं है इसको वह जिक्र नहीं फरमाते तो वो मुताले का जो इलम होता है तो वो उसमें कमाल तो होता है लेकिन यह कि मुकम्मल हरूज नहीं मिलता उसमें तो जो असल प्यार की चीज़ थी अल्लाह करना, उसको उसको जिक्र से निकाल दिया तो वरना जिक्र के सौ से ज़्यादा फ़ायदे तो बंद कर दिए अल्लाह ताला अपना नाम लेने की तोफ़िका एक तो भाई ये ज़ुबान से जो गुना होते हैं ना इनसे अपनी ज़ुबान को बचाएँ जुबान को बंद रखें मन मनसमत नजा चुप रहें अपनी इज्जत बनानी हो जुबान से बनेगी। अपनी असलाह करनी हो जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ईमान की हिफाजत करनी हो जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। पड़ेगातबर शख्स बनना हो जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा मतकिर बढ़ना होगा जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा जैख फरमाया करते थे कि कोई आदमी हमा किस्मी बातें करता हो बेधड़क होकर बात करता हो सोचो विचार ना करता हो फरमाया कि लोहे पे लकीर है सुन लो कभी वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता जब तक अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं करता उस वक्त इंसान अल्लाह का वली नहीं बन सकता दूसरा यह है कि नेकियां कमाओ किसके जरिए से अल्लाह का जिक्र करके Allah के जिक्र के जरिए से दो जिक्र हैं एक अल्लाह अल्लाह प्यार से कहो एक तस्वीर रोज पढ़ लो प्यार से अल्लाह और इसको तफहीम लामपुर होता है ना तो आमतौर पर हम पंजाब के लोग जो हैं वह जो अरबी जुबान में हरूफ पुर होते हैं तो पंजाबी में पुर नहीं करते हम कहते अल्लाह तो अरबी जुबान में क्या जी? अल्लाह बहुत प्यार से मोहब्बत से पूरी तफ़ीम के साथ अल्लाह ये कहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशादा है अफजल ज़िक्र ला अला हाँ, तो जिक्रों में से सबसे अफजल जिक्र कौन सा है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है तो जिक्र का अहतमाम तो मेरे दादा पीर उम्मत हजरत मौलाना मसी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तालब इलम अगर योमिया दो तस्वीर ला अल्ला की पढ़ ले, तो इसकी तालिबलम में हरज नहीं आएगा वो आसानी है कोई मुश्किल नहीं होगी तो दो तस्वीर ला अला की पढ़ ले, और एक तस्वीर बड़े प्यार के साथ अल्लाह की करे मेरे शेख जब, जब जिक्र करवाते थे तो मुख्तलिफ़ तस्वीर हाथ करवाते थे जब इसमें ज़ात का जिक्र का मौका आता था तो साथ ये ज़रूर फरमाते थे कि बड़ी मोहब्बत से बहुत प्यार से अल्लाह का नाम लो अल्लाह का नाम लो बड़ी मोहब्बत से लो बहुत प्यार से लो ये तो 24 घंटे में एक बार इंतहाई मोहब्बत के साथ आ, क्या अल्लाह ज़ुबान से कह ले इंसान के दर्जा उससे बुलंद हो जाते हैं और चल जाए कि तस्वीर पढ़ ले और बुजुर्गों ने तो फरमाया चौबीस हज़ार मरतबा रोज पढ़े जी अगर ऐसा कर लिया तो फिर तो कहने क्या फिर तो तल्लक माल्ला क्योंज पर इंशाल्लाह इंसान पहुँच जाएगा अल्लाह ताला मुझे और आपको तोफ़ी अतः फ़रमाए बाखर दावानी अहमद ला रबालमी